हेलो एवरीवन, आज है 7 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम। देखिए, कल का दिन आरवीएनएल के लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि जून क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं इनके, और इस पर सबकी नज़र ज़रूर रहेगी। और तो और, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो शुरू कर उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, आरवीएनएल रेल विकास निगम गवर्नमेंट स्टॉक है और इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ ये सेक्टर है, तो एक्सपेक्टेशन ऐसे की जा रही है कि कल जो नतीजे आएंगे वो काफी अच्छे और बेटर नतीजे होंगे और स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फौरन से इसमें बाइंग कर लेनी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि कल के नतीजे का वेट कीजिए, किस तरीके के नतीजे आते हैं उसके बाद आप आने वाले दिनों में इसमें खरीदारी करने के लिए सोच सकते हैं। और अगर सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में आरवीएनएल के स्टॉक में हालांकि 1.50% का ग्रोथ देखने को मिला है। एक महीने की बात करें तो चीज़ें थोड़ी बहुत और ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगी। 12% तक ये शेयर गिर चुका है। अब देखिए, 27 ऑलमोस्ट रुपीज से ये शेयर गिरता हुआ नीचे आया है और 22.5 रुपये तक गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को ज़रूर मिला है। एक साल की हम बात करें तो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है, जस्ट अभी इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। इसी साल चौथे महीने में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, तकरीबन 19 रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ था और अब तक का हाई इसने 29 रुपये का बनाया। देखिए, स्लो एंड स्टडी तरीके से ये शेयर आगे बढ़ा है, धीरे धीरे ऊपर नीचे जा रहा है। इसमें ज़्यादा बड़ी तेज़ी और ज़्यादा बड़ी गिरावट हमें इसमें नहीं देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करेंगे एनएससी में, तो देखिए आज 13 लाख के करीब का वॉल्यूम ट्रेड है। अगर पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के नतीजे मैं आपको डेफिनेटली जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। 87.84% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, हालांकि 100% मार्च में थी, लेकिन जैसे आईपीओ लॉन्च हुआ इन्होंने थोड़ी बहुत शेयर्स बेचे और होल्डिंग गई है। एफआईएल ने खरीदी है, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी होल्डिंग खरीदी है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर बनाई है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 7.33% की होल्डिंग है। अब देखिए, प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, इतनी बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास 87.84% की, और 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 3 FIIs भी इसमें इन्वेस्टेड है। और देखिए, प्रमोटर विथ हाइएस्ट होल्डिंग यहाँ पर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 87.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं ये। हाइएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके पास 1.94% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.29% है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं क्योंकि कंपनी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है, जस्ट अभी अभी इनका आईपीओ निकला है। अगर देखिए यहाँ पर, अगर मैं मनी कंट्रोल में जा रहा हूँ, 87% बाइंग रेटिंग है यहाँ पर, 9% सेल है, 4% होल्ड रिकमेंडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और तो और, अगर हम बात करेंगे बोर्ड मीटिंग की, तो देखिए कल 8 अगस्त को इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है और जून क्वार्टर के नतीजे कल इनके डिक्लेयर होंगे। जून क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मार्च के जो नतीजे आए थे उसमें 185 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था, जबकि नेट सेल्स इनके 3,418 करोड़ के। और अगर पिछली, अगर मार्च 2018 में अगर हम जाते हैं तो पिछले साल आप देखिए 2,650 करोड़ का नेट सेल था और 163 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। और जून के कल आ जाएंगे, और कल अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो शेयर्स डेफिनेटली आपको बढ़िया आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं यही कहूंगा, बढ़िया स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है। और बात करेंगे हम रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में, आने वाले 5 साल में और आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे स्टेप शायद लिए जाएंगे, और इससे इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिले, क्योंकि रेलवे एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे लग रहा है कि कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो जैसे जब रेलवे को डेवलप करने की बात आती है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें रेलवे में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने को मिलेंगे, और इससे रेल विकास निगम स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। कल का नतीजे आप देखिए, उसके बाद आप इसमें फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर नतीजे थोड़े बहुत बुरे आते हैं तो कुछ वक्त के लिए होल्ड कीजिएगा, और अच्छे नतीजे आते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे ही कल नतीजे आएंगे, डेफिनेटली मैं यूट्यूब पर इसके बारे में पोस्ट जरूर कर दूंगा, फास्ट पोस्ट करूंगा,
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डेफिनेटली कर दीजिएगा, आपको नतीजे यूट्यूब पर जरूर मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।